Okay, so similarly, this is also breakup of per capita demand for an average Indian city. Okay, this is for Indian city. When you talk about average Indian town, so that total comes to 270 liters per capita per day. Average, no? ये सब हम average बात कर रहे हैं. When you talk about Indian city, this is how it is like divided into various demands, and total per capita demand is on average for a particular city is 335 liters per capita per day. Similarly, for a particular Indian town, it is 270 liters per capita per day. Okay. Now, पर कैपिटल डिमांड अभी कैसे ये सब चीज पे डिपेंड करता है, हर एक डिमांड पे, ठीक है, लेकिन दैट टू इज इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स. देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स, राइट. अभी भले ही अभी जैसे फर्स्ट है साइज ऑफ द सिटी, तो सर बेसिक है, द लार्ज द साइज ऑफ द सिटी द मोर विल बी द वाटर डिमांड. ओके, पर कैपिटल डिमांड ऑब्वियसली. सो लाइकवाइज देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस पर कैपिटल डिमांड इज डिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक होगा सीजनल वेरिएशन का भी. ओके, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक इट इज गिवन इन द थर्ड पॉइंट, और यू कुड से सीजनल वेरिएशंस. तो यू नो दैट हॉटर क्लाइमेट में भले ही वही सेम सिटी है, वही सेम टाउन है, बट वी नो दैट इन समर समर सीजन द पर कैपिटा डिमांड इज मोर देन द रेस्ट ऑफ द सीजन, राइट. सो सिमिलर वे देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड. दिस इज साइज ऑफ द सिटी, तो यू नो मोर द साइज ऑफ द सिटी मोर विल बी द पर कैपिटा डिमांड. ओके, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, दैट ऑल्सो यू नो दैट जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एरियाज होगा, उतना ज्यादा वो एरिया का पर कैपिटा डिमांड होगा, बराबर. क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे मैंने तुमको सीजनल वेरिएशन का भी बताया, दैट हैबिट्स ऑफ पीपल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द लोअर इनकम ग्रुप्स, देन देयर विल बी द वाटर डिमांड वहां पे जरा कम होगा. व्हेन यू टॉक अबाउट हायर इनकम ग्रुप्स, या जहाँ पे वो बहुत ज्यादा यू नो गार्डनिंग इज डन एंड मोर ऑफ द वाटर इज कंज्यूम फॉर वेरियस एक्टिविटीज, फूड फ्लशिंग सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो, द वाटर डिमांड ऑल्सो, हैबिट्स ऑफ द पीपल. देन प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर तुमको फुल फोर्स में, अच्छा एकदम फोर्स में पानी आ रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज मोर ऑफ द वाटर इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट, बहुत सारा पानी, बहुत ज्यादा पानी यूज हो जाता है. लेकिन अगर प्रेशर ही कम रखे पानी का, मतलब तुम पूरा नल पूरा ओपन भी करो तो भी बहुत कम अगर आया पानी, तो देन ऑब्वियसली इफ द प्रेशर ऑफ द वाटर इज लो, अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम विल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस. ओके, क्वालिटी ऑफ वाटर द बेटर द क्वालिटी द मोर विल बी द कंजम्पशन, राइट. अभी बहुत जहाँ पे जहाँ क्या बोलते हैं, मेनी टाइम्स यू गेट दिस बोरिंग, सम पीपल माइट बी हैविंग कनेक्शन ऑफ द बोरिंग वाटर ऑल्सो, सम पीपल माइट बी हैविंग कनेक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, अदर बी एम सी वाटर, वॉट यू से विच कम्स फ्रॉम द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, दो दो कनेक्शन भी हो सकते हैं, बट वी प्रीफर वॉट, वी प्रीफर द वॉटर कमिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करते हैं खाने में या हम नहाने में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज दैट बिकॉज इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर. सो सिमिलरली इफ द वाटर लाइक द क्वालिटी ऑफ द वाटर अगर अच्छा है, तो ऑब्वियसली द यूसेज ऑफ द वाटर विल बी मोर. डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी, ऑफकोर्स अभी हमारे टाउन्स में, सिटीज में, इट इज अ कम्प्लीट सीवरेज सिस्टम, फुल फ्लशिंग, प्लम्बिंग, देन द ऑल ड्रेनेज दैट इज गोइंग टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये प्रॉपर एक सीवरेज सिस्टम है. तो प्रॉपर सीवरेज सिस्टम अगर है, तो ऑब्वियसली द वॉटर कंजम्पशन इज मोर बिकॉज एवरीवेयर यू हैव द सर्विस कनेक्शन वेर इन द वॉटर इज प्रोवाइडेड. यू डोंट हैव टू ब्रिंग वॉटर फ्रॉम समवन, लाइक गाँव में जैसे होता है वैसे तो नहीं है ना. यू हैव योर फुल फ्लशिंग, फुल वाटर सप्लाई, सर्विस कनेक्शन एवरीवेयर. तो अगर सीवरेज सिस्टम है प्रॉपरली, तो देन ऑब्वियसली द वॉटर कंजम्पशन बिकम्स मोर. सिस्टम्स ऑफ द सप्लाई मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई एंड इंटरमिटेंट सप्लाई. कंटिन्यूअस सप्लाई मीन्स इफ यू हैव वाटर सप्लाई फॉर 24 आवर्स, ओके, कंप्लीट 24 आवर्स अगर तुम्हारे घर में पानी आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस सप्लाई सिस्टम. And if you have water coming to your homes for a specific period of time, that is called the intermittent supply of system. So obviously your water this thing consumption also depends on that. अभी ऐसे हम लोग बोलते हैं कि जिनके यहाँ पे 24 आवर्स अगर वाटर आता है, तो वहां पे जो है कंजम्पशन रेट ज्यादा है, बराबर. बट मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स इज
even if you have intermittent supply system, what people do is people store water, and many times पानी आने के मतलब पानी अगर वो use नहीं हुआ store हुआ water, तो then they dispose that water. So again there is wastage of water when you talk about even intermittent system also. But obviously 24 hours अगर water supply है, तो you could see that the water this thing wastage is more in that system. Cost of water. Obviously अगर cost of water ज़्यादा होगा तो फिर लोग कंजम करना मतलब वेस्ट करना कम करेंगे. ओके सो दैट कॉस्ट ऑफ वाटर इज आल्सो वन थिंग ऑन विच द पर कैपिटा डिमांड इज डिपेंडेंट. पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग. अगर तुम्हारे इसमें वाटर मीटर है जैसे इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, जिसमें तुम्हारा जितना रीडिंग आया उतना तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है इलेक्ट्रिसिटी का. सिमिलरली इफ यू हैव वाटर मीटर्स इन योर होम, कभी कभी कैसे या तो स्पेसिफिक परसेंटेज इंक्लूड होता है हर एक फ्लैट का, कितना परसेंटेज हैज टू बी गिवन एज द मेंटेनेंस में, इतना परसेंटेज फॉर द वाटर सप्लाई. अदरवाइज यू हैव वाटर मीटर्स विच देन फाइंड्स आउट योर कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड अकॉर्डिंगली चार्जेस यू फॉर द वाटर कंजम्पशन. सो दैट इज कॉल्ड द वाटर मीटरिंग पॉलिसी ऑफ मीटरिंग और वाटर मीटर्स का यूसेज. सो अगर वैसा है पर्टिकुलर थिंग अगेन देन पीपल विल लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी अभी हम लोग ध्यान से यूज करते हैं ना, बिकॉज वी गेट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करेंगे तो यू नो द बिल विल राइज. So similarly, अगर water meter भी हम लोग ऐसे ही basis पे लगाते हैं, so then obviously people will start consuming the water lesser, like adequate amount water will only be used and wastage of water would be avoided. So these are the various factors on which the per capita demand, भले ही हमने उसको on an average इतना लिया है कि इतना लगता है या इतना 335 या 270 जो भी liters per capita per demand on an average लगता है, but it can obviously vary depending on the various factors. Okay, तो जो मैंने अभी तुमको बताया वही तुमको इसमें बताया है, जैसे size of the city, दो cities के बारे में बताया, how the this thing per capita demand is differentiating, climatic conditions. In the cost of water, this blue line indicates less demand rate. Agar kam hai water ka, toh it will be more of water demand. Similarly, distribution, jaise maine pressure bola, agar pressure high hai, toh demand, that is usage or water demand will be more. Pressure low hai, toh again there will be lesser demand. Similarly, supply or system. Good supply, bad supply, in the sense, this good supply, hum log yehi bolenge ki tumko 24 hours water hai. Bad supply, in the sense, you have a specific time period for which water is supplied. Okay. Industries area hai, toh obviously badhega. Okay, quality of water, habit of EWSMIG, matlab economically weaker section. Toh wahan pe tumhara jo water demand hai, usually comparatively low hota hai. Then MIG, that is middle income groups, so comparatively uska zyada hota hai water demand. Okay. Okay. Then again, ye to humne bola tha factors which are affecting the water demand. Then there are different variations in the water demand also. You cannot like hourly variations hai, daily variations hai. Jaise seasonal variation hai na, वैसे hourly और daily variations भी है बराबर. So what happens, ये तुमको मैं बताने की भी जरूरत नहीं, you already know. That is, एक तो maximum day for the year, या ये जो ये बताया ना typical winter day, ये जो भी graphs बताया है, it means for like भले ही हम average निकालते हैं, but you know there will be a maximum demand for a particular stretch of days in a year. जैसे हम समर सीजन बोलते हैं ना, तो समर सीजन में ऑब्वियसली देयर विल बी इंक्रीज इन द वाटर डिमांड. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर डे, पर कैपिटा पर डे हम बोलते हैं ना, इन अ पर्टिकुलर डे हम एवरेज बोलते हैं, बट यू नो दैट मैक्सिमम डिमांड इज मोस्टली इन द मॉर्निंग. लाइक द टाइमिंग यहाँ पे तुम देखो हाउ इट इज गिवन, द मैक्सिमम डिमांड इज मोस्टली इन द in the time period of 8 a.m. in the morning, I mean 8 to 10, so then again there is reduction in the noon, and again there is increase in the evening time, and then again it is almost nil or decrease in the midnight. So specifically, hum average bhale hi bolte hai, but there is hourly, daily variations in the water demand. So isliye jab ye calculation karte hain, ya matlab humko water treatment plant agar design karna hai, to we are not supposed to take the average demand, actually we are supposed to take the maximum demand, क्योंकि average demand पे करें, but उसका पता है हमें कि ऊपर नीचे हो सकता है. We have to provide adequate water, right? So
this. Average daily per capita demand is equal to quantity required in 12 months divided by 365 into population, that we know, that is called the per capita demand. लेकिन मुझे अगर maximum daily demand निकालने का है तो I am supposed to multiply it 1.8 is the factor. जैसे numerical में भी अगर आएगा तो that is I have to multiply the average demand with 1.8 to calculate the maximum daily demand and accordingly then I will be designing the other things. Okay. अभी जो तुमको मैंने बोला सीजनल एंड डेली वेरिएशन, ऑब्वियसली डेली वेरिएशन में उन्होंने देखो यहाँ पे ये भी बताया है कि ऑन संडे और फेस्टिवल डेज देयर इज ऑलवेज, दिस इज आल्सो वेरिएशन फाउंड दैट देयर इज इंक्रीज इन डिमांड इन सच डेज. Early variations, right? See, during active household working hours from 6 to 10 in the morning and 4 to 8 in the evening, the bulk of the daily requirement is taken. During other hours, the requirement is almost negligible. Okay. Likewise, if there is a fire outbreak, a huge quantity of water is required. Okay. That you also cannot, you cannot predict how many number of fires are going to occur in a year. Okay. Anyways, if we are taking some percentage of fire demand, then too we cannot predict the amount of fire and amount of water that will be requiring. Right. So that is why you are supposed to calculate the maximum daily demand, that is per capita demand, and then accordingly you are supposed to design the other units of the water treatment plant. Okay. Even not just the water treatment plant, even the plumbing, the pipe sizes and all you are supposed to design depending upon the maximum demand. Okay. Okay. So I'll move here. Then design period. Design period kya hai? So it is a future. जैसे मैंने, मुझे लगता है उस दिन तुमको मैंने बताया भी था कि design period क्या है, कि when you are designing something, you are supposed to design for future years also, not just for a particular current year. You will be forecasting the conditions in the future, and for future years you will be designing a water supply scheme, right? So that future period for which you are going to design a particular water supply scheme, or as given, the future period for which a provision is made in the water supply scheme is known as the design period. Okay, so for a particular time, for example 30 years ke liye or 50 years ke liye वो पूरा वाटर सप्लाई स्कीम बनाया है, तो दैट 30 इयर्स और 50 इयर्स बिकम्स योर डिजाइन पीरियड. ठीक है, देन डिजाइन पीरियड इज एस्टिमेटेड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स. नाउ दिस इज हाउ टू यू नो आइडेंटिफाई कि इतने साल के लिए ये सफिशिएंट होगा जो भी मैं वाटर सप्लाई स्कीम बना रहे हो. सो हाउ डू यू एस्टिमेट दैट? एक तो यूजफुल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट कंसीडरिंग द ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस मतलब एक्सटिंक्ट हो जाना, वेयर एंड टेयर एक्सेट्रा. Brother, मतलब वॉट एवर कंपोनेंट्स यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर वाटर सप्लाई स्कीम, राइट फ्रॉम द मटेरियल, राइट फ्रॉम द वॉल्स, राइट फ्रॉम द पाइपलाइन, ऑल थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन दिस वाटर सप्लाई स्कीम, ऑब्वियसली सबका कुछ ना कुछ तो एक्सटिंक्शन पीरियड होगा ना, कुछ तो लाइफ तो है. बराबर, सो टेकिंग इन टू अकाउंट द लाइफ ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द डिजाइन पीरियड. बराबर, अगर मैं ऐसा कुछ कंपोनेंट्स यूज कर रही हूँ कि जो 20 इयर्स तक बराबर रहेगा एंड देन यू विल स्टार्ट वेयरिंग, ओके, देन अ लॉट ऑफ रिपेयर वर्क विल बी इंडल्जेंट, तो फिर मैं 20 इयर्स ही रखूंगी ना डिजाइन पीरियड. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट कंपोनेंट, द डिजाइन पीरियड विल डिपेंड ऑन दैट. एक्सपेंडेबिलिटी एस्पेक्ट मतलब इसका भले ही मैं 30 इयर्स या कुछ साल का डिजाइन पीरियड रखती हूँ, हाउ इजीली दिस कुड बी एक्सपांडेड, और एल्स मैं इफ इट ऑल आई एम कीपिंग इट एज 30 इयर्स. ओके, एंड इन केस इफ डिमांड और द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाउन से इंक्रीजेस एकदम रैपिडली इंक्रीज अगर हो जाता है, तो विल आई बी एबल टू एक्सपांड द वाटर सप्लाई स्कीम इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो दैट इज द एक्सपेंडेबिलिटी एस्पेक्ट. अवेलेबिलिटी फंड्स, ऑब्वियसली द फंड्स दैट आर रिक्वायर आर दे सफिशिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर डिजाइन पीरियड. एंटिसिपेटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल कमर्शियल डेवलपमेंट माइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिटी, ऑब्वियसली अगर अभी 50 लाख पॉपुलेशन है तो अगर अगले 30 साल तक वहां का पॉपुलेशन कितना होगा, टेक इन टू अकाउंट योर वसई एरिया ओनली.
पहले क्या था वैसे ही, एंड व्हाट हाउ आफ्टर हाउ सो मेनी इयर्स हाउ इट हैज डेवलप्ड नाउ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल, ऑल दिस थिंग्स हैव डेवलप्ड सो वेल इन वसई. बट देन द वाटर सप्लाई, द सीवेज सप्लाई, ऑल दोस थिंग्स वेयर इफ एट ऑल दे वेर नॉट प्लान अकॉर्डिंग टू दिस इंक्रीज, तो फिर वो एडिक्वेट नहीं है. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान और डिजाइन अ वाटर सप्लाई स्कीम, यू आर सपोज टू प्रेडिक्ट कि हाँ अगर 30 साल तक कर रहे हैं तो 30 साल तक कितना डेवलपमेंट होगा वो पर्टिकुलर एरिया का, या कितना रेट से वो पॉपुलेशन ग्रो होगा. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू डिजाइन, बराबर. फॉर एग्जाम्पल अभी 50 लाख पॉपुलेशन है, आई डू दिस प्रेडिक्शन कि अगले 30 साल में पॉपुलेशन विल बी से 70 लाख, ऐसा कुछ है सपोज मैंने प्रेडिक्ट किया. तो फिर मुझे 50 लाख के हिसाब से नहीं बनाना है, 50 लाख के हिसाब से वाटर डिमांड नहीं मैं फाइंड आउट करूंगी. आई विल फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ 70 लाख वाटर डिमांड, 70 लाख पॉपुलेशन को कितना वाटर डिमांड लगेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाऊंगी. इट्स लाइक दैट, ठीक है. सो दिस आर द सर्टेन डिजाइन पीरियड इन ईयर्स फॉर ए पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन योर वाटर सप्लाई स्कीम. ओके, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग ना, ये अभी तुमको ये सिलेबस में नहीं है, पहले पुराने सिलेबस में यू हैड न्यूमेरिकल्स ऑन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. देयर आर डिफरेंट यू नो मेथड्स, अर्थमेटिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, मेनी मेनी सच मेथड्स आर देयर बाय विच यू कैन एक्चुअली फोरकास्ट इफ यू हैव दिस सेंसस डेटा. सेंसस डेटा मतलब पता है ना पॉपुलेशन का डेटा, आफ्टर एवरी डिकेड यू हैव दिस पॉपुलेशन डेटा. So for example, you have the population data of the previous 3-5 years. Okay, so accordingly you can find out you can forecast, predict the population for any number of years, after any number of years. So you have different formulas for that, but it is not there in your syllabus now. The old syllabus had this. Okay, so this was all about the water demand. Now we will start about with the water distribution system and what are the different ways of water distribution. Okay, so okay, so water distribution in the sense when the water is treated from your water treatment plant and then it has to be supplied to a city or a town. So how it is distributed to your, like how does it comes to your homes? So usme jo distribution system hota hai, it is all about this. So the purpose of distribution system is to deliver water to consumer with appropriate quality, quantity and pressure. Obviously ये तो main aim ही है, quality quantity तो है, अगर pressure भी अच्छा रहा water का तो more that would be more beneficial, right? So and more better for people. So appropriate quality, quantity and pressure से उसको supply करना is the main purpose of the distribution system. So distribution system is used to describe collectively the facilities used to supply water from its source to the point of usage. Obviously, matlab jahan se water treatment plant se wo bahar nikal raha hai outlet till it comes to your home, so everything that comes in under your distribution system. So what are the requirements of good distribution system? Kab hum bolenge koi area ka distribution system bahut proper hai? When the water quality should not get deteriorated in the distribution pipes, matlab जो वाटर तुम्हारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट हुआ है वही सेम क्वालिटी ऑफ वाटर शुड रीच योर होम. इट शुड नॉट गेट यू नो कंटामिनेटेड इन बिटवीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स. इफ इट ऑल देयर इज एनी लीकेज, इफ इट ऑल देयर इज एनी क्रॉस कनेक्शन, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए. ओके, देन ओनली आई विल टेल से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रॉपर. ओके, देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर एट ऑल द प्लेसेस विद सफिशिएंट प्रेशर. ओके, it should be capable of supplying the required amount of water during fire fighting. Okay, so your distribution system should be likewise that obviously hamare ghar mein to properly pani aaye, plus availability during the fire fighting should be like immediate requirement should be fulfilled by that distribution system. The layout should be such that no consumer would be without water supply during the repair of any section of system. Ye important hai.
तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कहाँ पे अगर बाहर मतलब नॉट नॉट योर बिल्डिंग, ठीक है, तुम्हारा बिल्डिंग का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ देन ठीक है, ऑब्वियसली तो तुम्हारे घर में आने वाले पानी में तो प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है. व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सेंस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो काम करते हैं, मतलब इन द सेंस व्हेन आर गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, तो उनका काम कहाँ तक रहता है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर टिल योर कंपाउंड ऑफ द सोसाइटी. फिर वो तुम्हारे सोसाइटी के अंदर जब भी पानी आता है देन दैट इज नॉट देयर जॉब. ओके, देन फिर तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्वालिटी का या कुछ लीकेज का, देन इट इज नॉट देयर जॉब ऑब्वियसली. ओके, सो अगर तुम्हारे कंपाउंड के बाहर अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ रिपेयर या कुछ प्रॉब्लम आता है, ओके, देन टू योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी सच दैट दैट तुम्हारे बिल्डिंग में या सोसाइटी में आने वाला पानी नहीं रुकना चाहिए. उसके लिए क्या है कि एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं चाहिए, इट हैज टू बी लाइक मोर देन वन नंबर ऑफ आउटलेट्स कनेक्टिंग टू योर कंपाउंड. ओके, तो ये ऐसे हो सकता है ना कि कहीं एक जगह पे रिपेयर है देन टू यू आर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम एन अदर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. ओके, सो द लेआउट शुड बी सच दैट देयर इज ऑलवेज फ्लोइंग ऑफ वाटर एंड देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द वाटर कमिंग टू योर एरिया. ओके, देन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन पाइप शुड बी प्रेफरेबली लेड 3 मीटर अवे एंड 2 मीटर अबव द सीवर लाइन. नाउ यूजुअली क्या होता है कि ये तुम्हारे वाटर या सीवर लाइन जो है ना, ये फुटपाथ के नीचे होते हैं. ओके, मोस्टली क्योंकि फुटपाथ के नीचे क्यों होते हैं, क्योंकि जब कुछ भी प्रॉब्लम अगर आया तो कुछ इजीली रिपेयर ना, रदर देन पूरा रोड तुम्हारा निकालने से. हाँ, एक ये है कि तुम्हारे जो पाइपलाइंस है वाटर बोलो या सीवर लाइंस है ना, दे फॉलो द पाथ ऑफ योर रोड्स एक्चुअली, क्योंकि रोड्स भी हर एक जगह को कनेक्ट करते हैं ना. तो सिमिलरली योर वाटर सप्लाई या सीवेज, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर, सो सिमिलरली द वाटर सप्लाई पाइप्स ऑल्सो आर कनेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, सो दे फॉलो द कनेक्टिविटी द पाथ ऑफ द रोड्स. ओके, तो रोड के नीचे लेकिन पाइपलाइन लगाएंगे क्या, यू नो, इफ एट ऑल देयर इज एनी प्रॉब्लम एनी लीकेज एनी रिपेयर, तो पूरा रोड निकालेंगे और फिर पूरा ट्रैफिक बंद करेंगे वो एरिया का, तो नहीं ना. तो इसीलिए फुटपाथ के नीचे होता है यूजुअली ये जो वाटर पाइप्स या सीवेज के पाइप्स. ओके, नाउ एज यू नो कि सीवेज एंड वाटर बोथ पाइप्स आर देयर, तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज वन साइड इज मोस्टली प्रोवाइडेड फॉर द वाटर पाइप्स एंड द अदर साइड ऑफ द रोड, दैट इज द वन साइड ऑफ द फुटपाथ, वन पार्ट ऑफ द लाइक द वन साइड ऑफ द रोड इज उसके फुटपाथ के नीचे जो है वाटर पाइपलाइन प्रोवाइड करते हैं, एंड दूसरा साइड ऑफ रोड है वहां पे जो फुटपाथ है उसके साइड में जो है सीवेज का पाइपलाइन प्रोवाइड करते हैं. बट अगर ऐसा हुआ कि देयर इज लैक ऑफ यू नो लैंड रिक्वायरमेंट अगर उतना फुलफिल नहीं होता है, तो अगर एक ही साइड में है सीवेज और वाटर का लाइन, तो इफ देर हैज टू बी नो टू अवॉइड कि कुछ ऐसा कंटेमिनेशन हो, वो अवॉइड करने के लिए देर हैज टू बी दिस स्पेसिफिकेशन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन पाइप शुड बी प्रेफरेबली लेड 3 मीटर अवे एंड 2 मीटर अबव द सीवर लाइन. ओके, मतलब अगर साइड बाय साइड है तो 3 मीटर डिस्टेंस पे होने चाहिए, अगर ऊपर नीचे है सीवेज ऊपर वाटर नीचे ऐसे ऊपर नीचे पाइपलाइन अगर है, तो देर हैज टू बी राइट 2 मीटर डिस्टेंस इन द हाइट बिटवीन द टू. ओके, देन इट शुड बी फेयरली वाटर टाइट सो एज टू कीप लॉसेस ड्यू टू लीकेज टू मिनिमम. ऑब्वियसली अमाउंट लाइक प्रॉपर वॉल्स प्रॉपर फिटिंग्स जॉइंट्स मटेरियल ऑफ द पाइप शुड बी सच दैट देर हैज टू बी नो leakages, it has to be watertight to keep the losses due to leakage to minimum or negligible. Okay. The layout of distribution networks. Now, लेआउट वर्ड जहाँ पे भी आता है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जहाँ पे भी वर्ड आता है नेटवर्क, तो यू आर सपोज टू नो इसमें चार चीजें हैं, चार लेआउट से चार नेटवर्क से. ओके, सो क्या लिया था डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ मैंने तुमको ये जो बोला ही था डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स आर जनरली लेड बिलो द रोड पेवमेंट्स एंड एज सच देयर लेआउट्स जनरली फॉलो द लेआउट ऑफ द रोड्स. बिलो द रोड पेवमेंट्स नहीं, बिलो इट इज बिलो द फुटपाथ बट इट फॉलो द लेआउट ऑफ द रोड्स. देयर आर जनरल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप नेटवर्क. हाँ अच्छा, अगर ऐसा है ना कि तुम्हारे
बहुत बार ऐसे भी होता है कि द लैंड अवेलेबिलिटी, नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द लैंड अवेलेबिलिटी ऑल्सो. इफ योर लैंड अवेलेबिलिटी इज लो, इफ यू डू नॉट हैव मच यू नो एरिया आफ्टर योर साइड ऑफ योर रोड फॉर फुटपाथ एंड देन प्रोवाइडिंग दोस पाइपलाइन, तो कभी कभी अगर इन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड अगर होगा तो रोड्स के नीचे भी जो है यू कुड फाइंड द सीवेज और द वाटर पाइपलाइन. तो देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज इट हैज टू फॉलो द लेआउट ऑफ द रोड्स. ओके, यहाँ पे अपने कॉलेज से अगर तुम बाहर निकलोगे एंड इफ यू गो फ्रॉम दैट शॉर्टकट, ओके, सो एज यू गो आउट फ्रॉम योर कॉलेज एंड देन टर्न राइट, तो तुमको दिखेगा रोड के बीच में, बीचों बीच ही वो स्ट्रीट इनलेट बोलते हैं उसको, जाली जैसा है ना, ओके, वो एक्चुअली वो सीवेज का है. ओके, सो उससे तुमको समझ में आ जाता है कि ये फिर मतलब रोड के बीच में, मतलब इसके नीचे ही डायरेक्टली जो है सीवेज का लाइन है, बराबर. सो देर आर जनरली फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप नेटवर्क्स विच आइदर सिंगल और इन कॉम्बिनेशन कैन बी यूज फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस. नाउ दिस डिपेंड्स, ये जो सिस्टम्स यूज करने वाले हैं ना, ये भी जो सिस्टम्स है दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्लानिंग ऑफ योर दिस थिंग सोसाइटी, और सो नॉट सोसाइटी और सिटी और अ टाउन, उसका प्लानिंग कैसा है, उसका रोड नेटवर्क कैसा है, ओके, उसके ऊपर देन ये नेटवर्क जो है वो डिपेंड करते हैं किस हिसाब से उसको नेटवर्क प्रोवाइड करने. ठीक है, सो द फर्स्ट यू हैव द डेड एंड सिस्टम, देन रेडियल ग्रिड आयरन एंड रिंग सिस्टम. इसके नाम में ही इसका मीनिंग है. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ डेड एंड सिस्टम इन द सेंस ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं पे तो डेड एंड्स आने वाले हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डेड एंड सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्री सिस्टम क्योंकि ये वैसा ही है, जो ट्रंक फिर योर ब्रांच एंड देन ब्रांचेस और ब्रांचेस. ठीक है, तो वो भी डेड एंड ही हुआ ना, अगर मैं वो ब्रांचेस को जो छोटे और ब्रांचेस लगे हुए हैं वो फिर से कनेक्ट होते हैं क्या ट्रंक को या ब्रांच को? नहीं ना, वो देर इज सम डेड एंड. तो ये डेड एंड सिस्टम को ट्री सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, ठीक. अब ये डेड एंड सिस्टम में क्या है, देर इज वन मेन सप्लाई पाइप, यहाँ पे जहाँ पे एम एम है दैट इज मेन सप्लाई, जहाँ पे एस है दैट इज योर सब मेन, एंड जहाँ पे बी है दैट इज योर ब्रांच. तो मेन सप्लाई लाइन है, ठीक है, फ्रॉम विच ओरिजिनेट मोस्टली एट राइट एंगल्स नंबर ऑफ सब मेन्स. ठीक है, ये जो एस लिखे है सब मेन्स, ओके, एंड ईच सब मेन देन डिवाइड्स इनटू सेवरल ब्रांच पाइप्स. ठीक है, मेन सब मेन ब्रांच, तो ये ट्री जैसा ही हुआ ना, ट्रंक है फिर उसके ब्रांचेस फिर उसको और ब्रांचेस लगते जाते हैं. सिमिलरली यू हैव अ मेन पाइपलाइन, यू हैव सब मेन्स एंड देन यू हैव ब्रांचेस. ठीक है, दिस ब्रांचेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल्स, इसको दूसरा वर्ड भी है दैट इज लैटरल. ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए दैट इज कट ऑफ वॉल्स, या कोई और भी वॉल्स अगर रहते हैं जैसे ड्रेन वॉल्स होते हैं, स्लुइस वॉल्स है, एयर वॉल्स है. ओके, वॉल्स के बारे में बताऊंगी मैं बाद में. तो दोस्त वो इंडिकेट किए वो सर्कल्स है. वॉल्स का बेसिक क्या है, प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द वॉटर करना, चाहे वो बैक फ्लो ना हो या एयर उसमें जमा ना हो, ऑल दोस थिंग्स देयर इज प्रॉपर मूवमेंट एंड फ्लोइंग ऑफ वॉटर टू रेगुलेट दैट द वॉल्स आर प्रोवाइडेड. ठीक है, तो दिस इज हाउ योर डेड एंड और ट्री सिस्टम लुक्स लाइक. इट इज सूटेबल फॉर ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज विच हैव नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ रोड. नहीं ना, बराबर ना, कुछ पैटर्न ही नहीं है ना, जहां पे भी तुमको लगा सर्विस कनेक्शन देना है या यहाँ पे भी डेवलपमेंट है, एक ब्रांच पाइप लगा दो, एक और ब्रांच पाइप जहां लग रहा है वहां पे लगा दो, जहां जहां पे तुमको लग रहा है डेवलपमेंट हो रहा है एंड नेसेसरी है वहां पे इमिडिएटली ब्रांच पाइप लगा रहे हैं. सो देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न टू दिस, राइट? सो इट इज लाइक इफ यू कुड सी हियर कि द वॉटर इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेरेवर इट इज रिक्वायर्ड और नीडेड इज प्रोवाइडेड थ्रू द ब्रांचेस, राइट? सो इट रिजल्ट इन नंबर ऑफ द डेड एंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जैसे ब्रांच पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे एक एरिया में वो प्रोवाइड कर रहा है वो ब्रांच पाइप. ठीक है, अगर इस ब्रांच पाइप में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, ओके, अगर इस ब्रांच पाइप में प्रॉब्लम आ गया तो उस एरिया को पानी आएगा क्या? आएगा ही नहीं, कहीं से भी पानी नहीं आएगा. सिंपली यू लुक ओवर एनीथिंग, ये ब्रांच पाइप है जो इस पर्टिकुलर सपोज यहाँ पे कोई एरिया है वहां पे पानी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अगर इस ब्रांच पाइप में कुछ रिपेयर का काम आ गया तो इसको कहीं से आ रहा है पानी इस एरिया में? कहीं से आएगा? कहीं से भी नहीं. तो देर इज डेड एंड, ओके, सर्कुलर मूवमेंट फ्री फ्लोइंग वाटर है ही नहीं. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज एक्चुअली नॉट प्रिफरेबल.
नाउ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज चीप, ठीक है, इट इज चीप बिकॉज जहां पे भी तुमको चाहिए यू कैन डायरेक्टली ओनली कनेक्ट द ब्रांच पाइप्स एंड देन इट्स ओवर, यू कैन सप्लाई वाटर, इट्स लाइक दैट. द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैन बी सॉल्व इजिली. अच्छा, सॉल्विंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तुमको इसमें नहीं है, मुझे लगता है FM2 या हाइड्रोलिक्स में शायद है सॉल्विंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हार्डी क्रॉस मेथड एंड ऑल दिस थिंग. ओके, सो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फाइंड आउट करना, ओके, मतलब सॉल्व करना, इट बिकम्स इजी बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड, कुछ बाकी कुछ चेंज नहीं है, ओनली अ ब्रांच पाइप वेर एवर नीडेड यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है. फिर क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज इजीली पॉसिबल टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज एंड प्रेशर. जब भी वो तुमने पढ़ा रहेगा या पढ़ोगे आगे FM2 या हाइड्रोलिक्स में, तो यू कुड फाइंड आउट कि ऐसे पाइपलाइन पाइप नेटवर्क्स में डिस्चार्ज या प्रेशर कोई पॉइंट पे अगर निकालना है तो इट बिकम्स वेरी इजी. ओके, द नंबर ऑफ वॉल्स रिक्वायर आर ऑल्सो वेरी लेस एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ यू नो कॉस्ट रिड्यूसेस देयर इटसेल्फ. शॉर्ट पाइप ऑफ लेंथ इज रिक्वायर्ड, लेइंग ऑफ द पाइप इज इजियर, क्योंकि तुमको कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ तुमको कोई जगह से कहीं पे हिलाना नहीं, सिर्फ तुमको जहां पे भी यू फील दैट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड अ ब्रांच पाइप. ओके, बट देन इट भले ही चीप है, सिंपल है, इजिली कैन बी एक्सटेंडेड, इजिली कैन बी एक्सपांडेड, बट देन इट हैज लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. पहला इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज ड्यू टू मेनी डेड एंड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ऑकर्स इन पाइप्स, ये भी है. ओके, कि अगर वहां पे पर्टिकुलर एरिया में अगर सप्लाई सिस्टम नहीं है है तो अगेन देर इज अ स्टेग्नेशन ऑफ वाटर ऑल्सो. या फिर सप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूस सप्लाई है, डिमांड उतना नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, अगेन देर विल बी स्टेग्नेशन ऑफ वाटर. ओके, मतलब फ्री फ्लोइंग सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर तो बिल्कुल भी नहीं है. ओके, देन यू हैव दैट, लाइक मैंने जैसे तुमको बोला था कि अगर डैमेज या रिपेयर निकलता है कोई पाइपलाइन में, इट विल कम्प्लीटली स्टॉप द वाटर सप्लाई इन दैट एरिया, क्योंकि वो एक ही ब्रांच से वो पर्टिकुलर एरिया में आने वाला है, फिर से ये इनकन्वीनियंट है फॉर द वाटर सप्लाई सिस्टम, राइट. फिर इसमें ये भी है, अभी जैसे ये डिसएडवांटेज दिए लेकिन इसमें और भी डिसएडवांटेजेस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी फायर आउटब्रेक हो जाता है. ओके, अभी इसमें जैसे एक ब्रांच पाइप ही प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में, इफ एट ऑल दैट पर्टिकुलर वाटर इज इनसफिशियंट सो यू कैन नॉट गेट वाटर फ्रॉम अदर ब्रांच, लाइक बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट. सो अगेन देर इज अ प्रॉब्लम. सो इवन इफ इट इज चीप एंड इजली एक्सपांडेबल, बट लॉट ऑफ प्रॉब्लम occur because only one particular branch pipe is going to provide water to a particular area. There is no free circulation of water. Mostly you would see this type of system. क्योंकि अगर city का planning proper नहीं है तो mostly this particular type of distribution network is only seen. Okay. Then you have radial system. तो radial system में देखो क्या किया है कि अभी यहाँ पे भी बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ द रोड्स, तो जहाँ पे भी यू हैव सच टाइप ऑफ रेडियल रोड्स, ओके, फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स रेडियल रोड्स अगर इमर्ज हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी बेस्ट, मतलब परफेक्टली लेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो इसमें क्या है, वॉटर इज टेकन फ्रॉम द वॉटर मेन, मतलब मेन पाइपलाइन, एंड देन इट इज पम्प्ड इन टू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर. ये जो ब्लैक बड़े बड़े डॉट्स है क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर, जैसे मैंने तुमको एक लास्ट टाइम एग्जांपल बताया था एलिवेटेड सर्विस रिजर्वॉयर का, बराबर, ये साल तो दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर. तो वो रिजर्वॉयर में पानी जो है पहले पंप करते हैं एंड दैट फ्रॉम दैट रिजर्वॉयर फिर देन इट इज सप्लाइड रेडियली थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, जैसे ये तुमको दिख रहे हैं सब मेन्स, दिस इज योर मेन, बराबर, मेंस है, सब मेंस, सब मेंस सब जा रहे हैं तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर में, ठीक है. मेन पाइपलाइन कमिंग फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इमर्जिंग फ्रॉम इट इज द एस सब मेन, सब मेन से जो है पंप होके पानी जो है सर्विस रिजर्वॉयर में स्टोर करते हैं एंड देन फ्रॉम दैट सर्विस रिजर्वॉयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियली टू डिफरेंट एरियाज, ठीक है.
अभी अगर यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे वाटर डेड एंड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कोई एरिया बोलती हूँ, मुझे यहाँ से भी वाटर आ रहा है और यहाँ से भी वाटर आ रहा है, बराबर. इधर आगे भी कुछ होगा, इधर से भी वाटर आएगा, बराबर. सो दैट इज अ पर्टिकुलर एरिया इज गेटिंग वाटर फ्रॉम मल्टीपल यू नो कनेक्शन. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो है देर इज नो डेड एंड वाला चीज. ठीक है, हाई प्रेशर एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ पाइप साइज इज इजी. दैट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस. एक सेकेंड, ना गिव मी अ मिनट. ओके, देन यू हैव ग्रीड आयन सिस्टम. इज ग्रीड आयन सिस्टम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेटिकुलेशन सिस्टम और इंटरलेस. जैसे इधर दिया है ना, रेटिकुलेशन और इंटरलेस सिस्टम. तो इसमें भी सेम है कि मेन्स है, सब मेन्स है, ब्रांचेस है, विच आर इंटरकनेक्टेड. लाइक यू कुड सी नाउ, ये मोस्टली तुमको कहाँ पे दिखेगा, वेरी देर इज अ वेल प्लान सिटी, यू हैव दिस ग्रीड आयरन सिस्टम. ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर रोड्स भी डेवलप है इसी पैटर्न में. तो देन पाइपलाइंस देन फॉलो इजीली दोस रोड पैटर्न. ठीक है, नाउ इसमें क्या है, देखो कि यू हैव दिस मेन पाइप. ठीक है, दिस मिडल वन, देन यू हैव दिस सब मेन्स, जहाँ पे डॉट्स है मैंने तुमको बोला दोज आर वॉल्स. ठीक है, देन यू हैव दिस सब मेन्स, एंड देन फ्रॉम सब मेन्स ये जो जितने भी हॉरिजेंटल हैं दिस आर द सब मेन्स, एंड देन उससे जो इमर्ज हो रहे हैं दोज आर योर ब्रांच पाइप्स. दिस इज योर ब्रांच पाइप, दिस इज योर ब्रांच पाइप. ओके, सो ऑल हॉरिजेंटल आर द सब मेन्स एंड ऑल दिस वर्टिकल एक्सेप्ट दिस मिडिल वन आर योर ब्रांच पाइप इमर्जिंग फ्रॉम दिस सब मेन्स. तो यहाँ पे भी जो है फॉर पर्टिकुलर एरिया व्हेन यू टॉक यू गेट वाटर फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस. ठीक है, सो देयर हियर आल्सो, एंड दिस इज मोस्टली जैसे मैंने बोला कि वेल प्लान सिटी में यू कुड सी दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेर इन देर इज फ्री फ्लोइंग ऑफ वाटर. ओके, एंड देर इज नो डेड एंड, एंड देर इज लाइक देर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द वाटर सप्लाई सिस्टम. ओके, सो इसका एडवांटेज तो मेन वही है कि अच्छा एडवांटेज दैट इज इट इज केप्ट इन गुड, वाटर इज केप्ट इन गुड सर्कुलेशन क्योंकि उसमें कोई डेड एंड ही नहीं है. ठीक है, एंड बिकॉज डेड एंड आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड, वाटर वाटर इज इन कंटिन्यूस सर्कुलेशन एंड देयर फोर स्टेग्नेशन का तो पार्ट इसमें आया ही नहीं. इन केस ऑफ ब्रेक डाउन इन सम सेक्शन और रिपेयर इन सम सेक्शन सेक्शन वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम अदर डिरेक्शन ऑल्सो. ओके, सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम. बट देन देयर इज अगेन डिसएडवांटेज, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ साइजेस ऑफ पाइप्स आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रोविजन ऑफ वॉल्स ऑन ऑल ब्रांचेस. ओके, यू कैन सी नंबर ऑफ वॉल्स, नंबर ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट. ओके, प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर रेगुलेट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वॉल्स प्रोवाइडेड इन दिस ग्रिड आयरन सिस्टम, बट देन कैलकुलेशन ऑफ पाइप्स बिकम्स डिफिकल्ट इन सच टाइप ऑफ सिस्टम एज नंबर ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट. ऑल्सो इट बिकम्स कॉस्टलियर एज नंबर देयर आर नंबर ऑफ वॉल्स, देयर आर मोर लेंथ ऑफ पाइप्स. ओके, तो इसका जो है सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो दिस आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम. देन यू हैव रिंग सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सर्कुलर सिस्टम. ओके, इसमें क्यों ऐसे सर्कुलर सिस्टम या रिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन पाइपलाइन है, पहले बाकी सब में तुमने कैसे देखा मेन पाइपलाइन जो मिडल से जा रहा था एंड फिर वहां उसमें से बाकी जो सब मेन ब्रांचेस इमर्ज हो रहे थे, इसमें जो मेन पाइपलाइन है इट फॉर्म्स अ रिंग, वेदर अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, इट फॉर्म्स अ रिंग ओवर दैट पर्टिकुलर टाउन जहाँ पे भी तुमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्लाई करना है. ठीक है, इट फॉर्म्स अ रिंग ओवर दैट एरिया एंड देन फ्रॉम दैट इमर्जेस इज योर सब मेन्स. ओके, मतलब इसमें क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जहाँ पे तुमको ये प्रोवाइड करना है इट इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ब्लॉक्स ऑल्सो, इसलिए इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. ओके, एंड द मेन वाटर पाइप्स आर लेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिस ब्लॉक्स, बराबर, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिस ब्लॉक्स, एंड द सब मेन्स मे बी प्लेस्ड लाइक दिस इमर्जिंग फ्रॉम द मेन पाइप्स. ओके, अभी यहाँ पे भी क्या है कि इट इज यूजफुल व्हेन देयर इज प्रॉपर प्लान सिटी, प्रॉपर प्लान रोड्स. ओके, तो ये जो है रिंग सिस्टम इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक योर ग्रिड आयरन सिस्टम इफ यू सी.
ओके सिमिलर ऑलमोस्ट. तो उसमें क्या था कि सेंटर से मेन पाइपलाइन था, यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग अ ग्रिड एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम फ्रॉम द सब मेन्स द वाटर इज प्रोवाइडेड. सो अगर ये ऑलमोस्ट सेम है ग्रिड आयरन जैसा ही, वॉल्व्स भी इसमें है सब मेन्स पे, हर एक सब मेन्स पे, ठीक है. सो ऑलमोस्ट सेम है ये ग्रिड आयरन सिस्टम जैसा ही, तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है. सो दिस इज योर रिंग सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम. ओके सो दिस वेर ऑल योर फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, दैट इज रेड एंड सिस्टम, देन यू हैव रेडियल सिस्टम, देन यू हैव ग्रीन आयरन सिस्टम एंड यू हैव रिंग और सर्कुलर सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू द नेम्स ओनली यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट कि वो कौन सा सिस्टम है, ठीक है. नाउ ये जो है ना, ये मेथड्स ऑफ, नेक्स्ट इज योर मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. पहला क्या था तुम्हारा, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. एक मिनट, ओके. सो अभी ये बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पेपर में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, या डिस्ट्रीब्यूशन से इतना भी लिखते हैं लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टूडेंट्स मेथड्स लिख देते हैं. मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, ये तो बहुत बार ही हुआ है कि मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा और तुमने लेआउट बना दिया, तो देन डायरेक्टली इट इज अ जीरो मार्क. ओके तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वो लेआउट है, नेटवर्क है ना, ये मेथड्स, मतलब इसमें तुम्हारे पास तीन पार्ट है. फॉर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एडिक्वेट वाटर प्रेशर रिक्वायर्ड वेरियस पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सोर्स, द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया एंड अदर कंडीशंस, द वाटर मे बी फोर्स इनटू दिस थ्री काइंड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द ग्रेविटी सिस्टम और पंपिंग सिस्टम और कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम. अभी ये और तुम फाइंड आउट कर सकते हो, अगर मेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो ऑन अ हायर साइड इट इज, okay, and the topography of my particular area is on a lower side, obviously then there is no pumping requirement through gravity only. मुझे एक तो ये है ना कि adequate amount भी आना चाहिए and उतने particular pressure से भी proper pressure से भी आना चाहिए घर में पानी, ठीक है. So if at all it's like that कि free flowing water हो सकता है because my area is in the downstream part, so directly I can provide the gravity system. Right, there is no requirement of pumping. Likewise, this other two are also divided. मैं तुमको बताती हूँ. See, this is your gravity system. That is suitable when source of supply is at a sufficient height. Okay, and most reliable and economical distribution system. The water head available at the consumer is just minimum required. The remaining head consumed is fictional and other losses. ये the different types of head, ये भी शायद FME2 में उनको हुआ रहेगा. ठीक है. So that is, see here, well, and then you have the intake structure here, which is not shown, and then water testing, monitoring, then water storage tank, and then it is provided to your homes. Okay, so this is your gravity system. यहाँ पे एक water storage tank उस area का बताया है. ओके बहुत बार ये वाटर स्टोरेज टैंक नहीं होता है, जैसे मैंने तुमको बोला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर तुम्हारा हायर स्ट्रीम पे है, अपर स्ट्रीम एंड लोअर स्ट्रीम पे अगर तुम्हारे एरिया है, तो डायरेक्टली बाय ग्रेविटी इट कुड बी प्रोवाइडेड. ओके देन यू हैव पंपिंग सिस्टम वेर इन द वॉटर इज पंप्ड, ऑलरेडी द ट्रीटेड वाटर इज डायरेक्टली डायरेक्टली इन टू द डिस्ट्रीब्यूशन मेन out like treated water is directly it is distributed. How though it is first of all seeing this is the pumping part and then it is pumped to a reservoir and then it is distributed to a to the distribution networks. Okay, this message problem kya hai, if power supply fails, complete stoppage of water supply. ओके मतलब जितना एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उतना ही पंप होता है एंड देन इट इज सप्लाइड टू दैट एरिया, बट दिस इज नॉट प्रिफरेबली यूज बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज इन द पावर सप्लाई. अगर हो देन देन देयर बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ओके देन यू हैव कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम, जैसे मैंने तुमको ये बताया था दिस थिंग
हमने जो एलिवेटेड सर्विसेज वगैरह का तुमको मैंने एग्जांपल बोला था कि हमारे उस कॉलेज से बाहर निकलने के बाद तुमको दिखता है वो, बराबर। सो इट इज मोस्ट कॉमन सिस्टम मोस्टली यूज्ड, दैट इज इट इज ट्रीटेड वाटर इज पम्प्ड एंड स्टोर्ड इन द एलिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर एंड देन सप्लाइड टू कंज्यूमर बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके सीरियस लाइक दिस, मतलब पूरा ट्रीट होने के बाद एलिवेटेड सर्विस रिजर्वॉयर एंड देन इट गोज टू योर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स। ओके so that is your combined gravity and pumping system. okay so usually अब जैसे तुमको मैंने बोला कि the gravity system is mostly like that where the water could free flow through gravity. okay that is your gravity system. the pumping system is where you have मतलब compulsory you required the pumping of water from the water treatment plant from which it can go to the distribution network. okay मतलब ये जो pressure आता है वो pumping की वजह से ही आता है. So then that is a complete pumping system and you have this gravity and pumping system wherein elevated service reservoir mein store hoke then it is distributed. okay matlab pump bhi karna pad raha hai and then baad mein jo hai wo through gravity free flowing of water bhi hai. so that